अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सही हों, अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपके हमारे घरों में तंदुरुस्ती से है तथा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें, आज मैं चुनरी बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने डबल कपड़ा लिया है, डबल ते कर दी। अब मैं इसमें डॉट्स बना लिए हैं ये ग्रीन कलर के पेन से। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें धागा मैंने पॉलिस्टर ही लिया है और इस तरह हाथ से पकड़ कर और अंगूठे में दबा लें ये धागा भी और इस तरह बल दे दें। और फिर ये देखें हाथ में ही इसको बल देना है, दो दफ़ा देना है। वापस से आप देख लें इसको अच्छी तरह, कपड़े को जितना आप धागा लपेटेंगे ना इतना ही अच्छा बनेगा आपका। ये देखें, ये मैंने अंगूठे के अंदर बल दे के फिर वापस इसी में डाला है। इतना करके ये सारे बन जाएंगे। लॉन के दुपट्टों पे, वाइट कलर के दुपट्टे पे बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाइएगा। बच्चों की कुर्तियों पे बना लें, वाइट कलर की लेके फिर उसे डाई करा लें। और डाई आप बाज़ार से ही करवाइएगा क्योंकि ग्रीन कलर कच्चा होता है, उसे कभी भी घर में ट्राई करते हैं ना तो वो सही डाई होता ही नहीं है। मैंने भी ये खुद इतना सा पीस डाई करने की कोशिश की लेकिन वो मज़ा नहीं आया इसमें ना। अब ये देखें, ये चुनरी बन गई है, इस तरह बनेगी ये सारी। करीब करीब करके निशान लगा लेते हैं ना, उससे सही रहता है अंदाज़ा, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है और वैसे सही नहीं होता। अब मैंने छोटे से पीस पे किया है। मैं ये तेल रंगेश के पास लेके गई थी तो उसने ये पीस डाई ही नहीं किया, तो मैंने घर में ही ट्राई करने किया इसको। आप मत कीजिएगा, ये देखें मैंने घर में इसको डाई किया है और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह पकड़ लें, ये दोते हैं कपड़े की, मैंने आपको बताया था ना ये दोते हैं। ये मैंने हाथ से पकड़ के इस तरह खोल लिया और ये देखें ये इस तरह निकला है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन आप रंगेश के पास इसको डाई करवाइएगा, ये तो छोटा सा पीस था जब मैंने घर में कर लिया।